तो प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। प्यारे विद्यार्थियों आज हम यहां से देखने वाले हैं यूपी बोर्ड वार्षिक परीक्षा 2023 कक्षा 12वीं का आपका भूगोल विषय का पूरा क्वेश्चन पेपर और इसका सॉल्यूशन। तो प्यारे विद्यार्थियों वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले आप सभी लोगों से अनुरोध है हमारा कि अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ प्यारे विद्यार्थियों जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ में बेल आइकन को जरूर दबा लें। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों जिस प्रकार का क्वेश्चन पेपर आज मैं यहाँ से आपको बताने वाला हूँ बिल्कुल आपके पेपर में बिल्कुल इसी प्रकार का क्वेश्चन पेपर आपको देखने को मिलेगा। तो इसलिए आप सभी लोगों से निवेदन है हमारा कि आप लोग इस वीडियो को देखकर पूरा अंतिम समय तक जरूर जाएं। देखिएगा जो आपका 20 फरवरी को क्वेश्चन पेपर होने वाला है भूगोल विषय का वो आपका बिल्कुल इसी प्रकार का आएगा। तो इसलिए आप सभी लोग इस क्वेश्चन पेपर को पूरा अंतिम समय तक देख कर जरूर जाइएगा। देखिएगा आपका पूरा क्वेश्चन पेपर इसी प्रकार का होगा और देखिएगा यहाँ से आप लोगों को इसको समझ लेना है। आपका टोटल क्वेश्चन पेपर जो होगा उसमें मुद्रित पृष्ठों की संख्या 16 होगी और अनुक्रमांक इस जगह पर आपको लिख लेने हैं और इस जगह पर आपको अपना नाम लिख लेना है। और इसके अलावा आपका पेपर का कोड यहाँ पर यह दिया गया है और इसके अलावा 2023 का पूरा पेपर है जो कि भूगोल विषय का है और इसमें यहाँ से आप लोग देख सकते हो पूर्णांक आपका 70 अंकों का होगा। यहाँ पर आपको समय दिया गया है 3 घंटे 15 मिनट का। और देखिएगा इसके अलावा यहाँ पर आपको ये निर्देश कुछ दिए गए हैं, आप सभी को इन निर्देशों को पढ़ लेना है और समझ लेना है। तो चलिएगा आगे बढ़ते हैं और आपके पूरे क्वेश्चन पेपर को सॉल्यूशन सहित देखते हैं। मगर प्यारे विद्यार्थियों अगर आप पहली बार हमारे वीडियो को देख रहे हो या आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ में बेल आइकन को जरूर दबा लें। तो चलिएगा आप आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके पूरे क्वेश्चन पेपर को और इसके सॉल्यूशन को। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों ये रहा आपका क्वेश्चन पेपर, आप लोग यहाँ से इसको देख पढ़ो समझ सकते हो। तो देखिएगा पहला जो क्वेश्चन लिखा है इसका उत्तर क्या होगा, इस प्रकार का पूरा टोटल क्वेश्चन पेपर आपका परीक्षाओं में आपसे पूछा जाएगा। तो पहले क्वेश्चन को देखते हैं, निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प चुनकर उनको उत्तर आपकी उत्तर पुस्तिका में आपको लिखना है। तो पहले नंबर का जो क्वेश्चन लिखा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव भूगोल का उपागम नहीं है, तो देखिएगा इसका उत्तर आपका आ जाएगा मात्रात्मक क्रांति। उसके अलावा अगला क्वेश्चन देखते हैं, मानव विकास की अवधारणा निम्नलिखित में से किस विद्वान की देन है, तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों इसका उत्तर भी आपका यह आ जाएगा डॉक्टर महबूब उल हक की देन है। उसके अलावा अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3 में क्या पूछा गया है, निम्नलिखित देशों में से किस देश में सहकारी कृषि का सफल परीक्षण किया गया, तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3 जो लिखा गया है इसका उत्तर भी आपका आ जाएगा डेनमार्क। यहाँ से आपको इसको नोट कर लेना है। और उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं क्या पूछा गया है, निम्नलिखित में से किस प्रकार की बस्तियाँ सड़क नदी या नहर के किनारे होती है, तो देखिएगा सड़क नदी या नहर के किनारे कैसी बस्तियाँ होती है ये आपको बताना है। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों इसका उत्तर आपका आ जाएगा रेकी बस्तियाँ। और इसके अलावा आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या लिखा गया है, सन 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में नगरीय जनसंख्या का अनुपात सर्वाधिक है, देखिएगा आपको ये बताना है कि नगरीय जनसंख्या किस राज्य में सबसे ज़्यादा अधिक है, तो देखिएगा इसका उत्तर आपका आ जाएगा गोवा। और इसके अलावा अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा नगर नदी पर तट पर अवस्थित है, तो देखिएगा नदी के तट पर कौन सा नगर स्थित है ये आपको बताना है। तो देखिएगा छठे नंबर का क्वेश्चन आपका आ जाएगा, देखिएगा अवस्थित नहीं है ये बताना, तो देखिएगा इनमें से भोपाल जो है किसी भी नदी के तट पर नहीं है, ये इसका उत्तर सही होगा। उसके अलावा अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, जिसमें कि पूछा गया है निम्नलिखित में से किस स्थान पर पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन स्थापित किया गया, तो देखिएगा 7वें नंबर का जो क्वेश्चन लिखा है इसका उत्तर आपका आ जाएगा तारापुर। और इसके बाद में 8वें नंबर के क्वेश्चन को देखते हैं क्या लिखा है, निम्नलिखित में से सर्वाधिक प्रदूषित नदी कौन सी है, देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों सबसे ज़्यादा प्रदूषित नदी जो है गंगा है, यहाँ से आप लोग देख लें। और इसके बाद में प्यारे विद्यार्थियों पहले आप लोग पूरा क्वेश्चन पेपर देख लें, इसके बाद में मैं इन सभी प्रश्नों के उत्तर भी आपको एक साथ में बताने वाला हूँ। तो पहला क्वेश्चन ये लिखा है, रेडजेल के शब्दों में मानव भूगोल की परिभाषा दीजिए, और इसके अलावा जननांगीय संक्रमण का उपयोग कहाँ किया जाता है, मानव विकास के 4 प्रमुख घटक चिकित्सा पर्यटन किसे कहते हैं, इन सभी प्रश्नों को आप लोग अच्छे से देख लें। और इसके अलावा ये कुछ लघुत्तरी क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं, देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों पहले मैं आपको सभी क्वेश्चन बता रहा हूँ पेपर के और इसके बाद में फिर मैं आपको इसका पूरा सॉल्यूशन बताने वाला हूँ। तो पहले आप लोग पूरा इसको देख लेंगे, क्वेश्चन नंबर 22 तक के इन सभी प्रश्नों को आप लोग देख लें और इसके अलावा यहाँ से आप लोग देख लेंगे इस प्रकार के क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे जाएंगे, ग्रामीण एवं नगरी बस्ती किसे कहते हैं, मानव की प्रकृति का वर्णन कीजिए, भारत में जनसंख्या की घनत्व के स्थानिक कारणों की विवेचना आपको करनी है। तो इस प्रकार से पूरा क्वेश्चन पेपर आप लोग यहाँ तक का देख लें, टोटल इस प्रकार का क्वेश्चन पेपर आपका परीक्षा में आपसे पूछा जाएगा जो कि मैंने आपको यहाँ से बता चुका हूँ। ये सभी के सभी आप इस प्रकार के प्रश्न आपके परीक्षा में पूछे गए हैं। तो चलिएगा प्यारे विद्यार्थियों अब मैं आपको ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का सॉल्यूशन तो मैंने आपको यहीं पर दे दिया था, मगर आपको मैं लघुत्तरी और दीर्घोत्तरी प्रश्नों का सॉल्यूशन अब मैं आपको देता हूं ताकि आप सभी लोग इनको हल कर सकें। देखिएगा खासकर आपका पेपर यहीं तक का है,
मगर ये जो नीचे पेपर दिया गया है ये केवल दृष्टिबाधित परीक्षार्थियों के लिए हैं, तो आप इनको हल नहीं करें। तो ये दृष्टिबाधित परीक्षार्थियों के लिए दिया गया है, आपको केवल और केवल इतना ही हल करना है। तो चलेगा, मैं जल्दी से आपको इन सभी प्रश्नों के उत्तर बता देता हूँ। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी लोग यहाँ से इन प्रश्नों को जरूर देख ले। जो जो भी मैं आपको IMP क्वेश्चंस बता रहा हूँ ये बिल्कुल आपके पेपर में पूछे जाएंगे। जैसे कि एक ये वाला क्वेश्चन लिखा है और उसी के नीचे एक ये वाला क्वेश्चन लिखा है, इन सभी क्वेश्चन को आप लोग देख लें। देखिएगा, एक ये परिभाषा आपको याद कर लेनी है, ये बिल्कुल आपके पेपर में आपसे पूछी गई परिभाषा है। और इसके अलावा यहाँ से आपको एक ये वाला क्वेश्चन देखिएगा, क्या लिखा है, विश्व में जनसंख्या वितरण की कोई दो विशेषताएं बतानी है। तो यहाँ से आप लोग इस क्वेश्चन को पूरा याद कर लेंगे और इसको समझ लेने के बाद में अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या लिखा है। देख सकते हो यहाँ से, देखिएगा, जलवायु किस प्रकार जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करती है। तो यहाँ से भी आप लोग इस क्वेश्चन को देख लेंगे। और अगला तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, आगे यहाँ से आपको इसको याद कर लेना है कि जनसंख्या वितरण को कौन से कारक प्रभावित करते हैं। और उसके अलावा अगला क्वेश्चन ये रहा, विश्व में जनसंख्या दोगुनी होने की अवधि पर टिप्पणी लिखिए। और उसके अलावा अगला क्वेश्चन ये लिखा गया है, देखिएगा, विश्व में जनसंख्या परिवर्तन के लिए उत्तरदायी कारकों की व्याख्या कीजिए। तो इस जगह से आप सभी लोग इसको याद कर लेंगे अच्छे से। और उसी के नीचे एक क्वेश्चन पूछा गया, देखिएगा क्या लिखा है, लिंगानुपात के महत्व पर स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ से आप सभी लोग लिंगानुपात को समझ लेंगे अच्छे से। और इसके बाद में आप आगे देखते हैं, तो देखिएगा एक ये वाला क्वेश्चन बिल्कुल आपके पेपर में आ चुका है, आप लोग इस जगह से इसको याद कर लें, ग्रामीण और नगरी जनसंख्या में अंतर, ये बिल्कुल आपके पेपर में आपसे पूछा जाएगा। और उसके अलावा आगे बढ़ते हैं, कुछ और प्रश्नों को देखते हैं। जैसे कि ये वाला क्वेश्चन पूछा गया है, जनजाति से क्या आशय हैं। तो इस जगह से आप लोग जनजाति वाले प्रश्नों को याद कर लेंगे। अगला क्वेश्चन ये लिखा है, जनसंख्या संगठन से क्या आशय हैं। तो आप लोग यहाँ से इस पूरे क्वेश्चन को याद करें। और उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या लिखा गया है, भारत की जनसंख्या की सामान्य विशेषता आपको बतानी है। तो यहाँ से आप लोग भारत की जनसंख्या की सामान्य विशेषताओं को नोट कर लेंगे। और उसके अलावा आगे बढ़ते हैं, देखिएगा ये जो क्वेश्चन पूछा गया है, गिरमिट एक्ट क्या है। तो इस वाले क्वेश्चन को आप लोग याद कर लें, आप्रवास किसे कहते हैं। टोटली आपसे क्वेश्चन इसी प्रकार के पूछे जाएंगे जो कि मैं यहाँ से आपको बता रहा हूँ। तो आप लोग यहाँ से इनको देखते चलें। क्वेश्चन नंबर एक को देख लें, भारत की जनसंख्या के प्रवास से संबंधित कौन से प्रश्न लोगों से पूछे जाते हैं। तो यहाँ से आप लोग इसको भी देख लेंगे। अगला क्वेश्चन ये पूछा गया है, प्रवास किसे कहते हैं, इसके प्रकारों को बताइए। तो इस जगह से आप लोग इस प्रश्न को देख लेंगे। अगला क्वेश्चन ये, भारत का कौन सा जनसंख्या समूह भारत के अति उपेक्षित जीवन यापन कर रहा है। तो यहाँ से आप लोग इस क्वेश्चन को याद कर लेंगे। और इसके अलावा अगला क्वेश्चन ये लिखा है, देखिएगा, सभी के सभी प्रश्नों को आप लोग यहाँ से नोट कर लेंगे। भारत में, उत्तरी भारत में अधिकांश राज्यों में मानव विकास को निम्न स्तरों के दो कारण बताइए। तो यहाँ से आप लोग टोटली इस प्रश्न को याद कर लेंगे अच्छे से। और उसके बाद में आगे बढ़ते हैं, तो देखिएगा ये क्वेश्चन आप लोग अच्छे से याद कर लेंगे, गैरिसन नगर क्या होते हैं। और उसके अलावा ये अगला क्वेश्चन, किसी नगरी संकुल की पहचान किस आधार पर की जाती है। तो प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी लोगों से निवेदन है कि आप लोग यहाँ से इन क्वेश्चन को बिल्कुल अच्छे से याद जरूर कर लेंगे। अगला क्वेश्चन दिया गया है, महानगर क्या होते हैं, ये नगरी संकुलों से किस प्रकार से भिन्न होते हैं। अगला क्वेश्चन, अनुषंगी सैटेलाइट या उपग्रह नगर किसे कहते हैं, दो मध्यकालीन नगरों के नाम आपको बताने हैं। तो इस प्रकार के इन सभी प्रश्नों का रिवीजन आप लोग अच्छे से कर लें, बिल्कुल आपके पेपर में ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आपको निवेदन है कि प्यारे विद्यार्थियों, इस वीडियो को कम से कम आप 2-3 बार जरूर देख लें, ताकि आपको इस वीडियो को देखते देखते ही सभी के सभी प्रश्न अच्छे से याद हो चुके हो जाए। तो देखिएगा आप आगे बढ़ते हैं, ये जो क्वेश्चन लिखा है, पश्चिम बंगाल में बोई जाने वाली चावल की 3 फसलें कौन सी है। तो देखिएगा यहाँ से आप लोग देख लेंगे इसको, और इसी प्रकार का पूरा क्वेश्चन आपके पेपर में पूछा जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ से देख लें, भारत में गेहूं की पैदावार के लिए आवश्यक भौगोलिक दशाएं एवं वितरण क्षेत्र लिखिए। तो यहाँ से आप लोगों को टोटली इस प्रश्न को देख लेना है और समझ लेना है। पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर आपसे परीक्षाओं में इसी प्रकार का पूछा जाएगा, जैसा कि मैं यहाँ से आपको बता रहा हूँ। तो और अगला क्वेश्चन यहाँ से देख लें आप लोग, क्या पूछा गया है, देखिएगा, कपास की कृषि की उपज की दशाओं का वर्णन कीजिए। तो यहाँ से आप लोग टोटली इस प्रश्न को देख लेंगे और इसको समझ भी लेंगे। और इसके अलावा कुछ इस प्रकार के क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे जाएंगे। और आगे, भारत में चावल उत्पादन के लिए आवश्यक भौगोलिक दशाएं, तो यहाँ से आप लोग लिख लेंगे कि चावल उत्पादन के लिए आवश्यक भौगोलिक दशाएं कौन कौन सी है। तो इस प्रकार से आप सभी लोग इसको अच्छे से नोट कर लें और इसको याद भी कर लें। तो प्यारे विद्यार्थियों, अब इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।